आज 11 अगस्त है यानी शहादत दिवस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज का दिन पटना और बिहार के लिए बेहद खास है। आज से 80 साल पहले यानी 11 अगस्त 1942 को ब्रिटिश राज में इसी दिन पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने जा रहे 7 छात्र पुलिस की गोली का शिकार बने थे। बिहार विधानमंडल के सामने इन 7 शहीदों की प्रतिमाएं आजादी के संघर्ष में बिहार के बलिदानी की कहानी ब्याह करती है। इस मौके पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने अपने इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए सत सत नमन किया। मालूम हो कि 9 अगस्त 1942 को पूरे देश के साथ आंदोलन की चिंगारी पटना में भी भड़क उठी। घर घर आजादी के गीत गाए जाने लगे। कॉलेज में छात्र शिक्षक सभी आजादी के पाठ करने लगे। 11 अगस्त की सुबह शहर आजादी के रंग में रंगा नजर आ रहा था। अशोक राजपथ होते हुए आंदोलनकारियों का जत्था बांकीपुर पहुंचा, जहां एक सभा हुई। इसके बाद आंदोलनकारी सचिवालय की ओर बढ़ने लगे। सचिवालय पहुंचते ही आंदोलनकारियों पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया। जत्थे में शामिल छात्र इससे विचलित हुए बगैर आगे बढ़ते रहे। इनके जत्थे ने एक तिरंगा थाम रखा था, इरादा तिरंगे को सचिवालय पर फहराना था। पटना के जिलाधिकारी मिस्टर आर्चर ने छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्र अपने इरादे पर अडिग थे। इसके बाद उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद पटना के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले एक एक कर 7 छात्र शहीद हो गए। हालांकि शहीद होने से पहले 7वें छात्र ने विधानसभा पर तिरंगा फहरा ही दिया। लाइव इंडिया न्यूज की पूरी टीम उन शहीद को सत सत नमन करती है। लाइव इंडिया के लिए अजीत के साथ नागेंद्र की रिपोर्ट।